इधर लंका में विशेष चिंतित राक्षस आपस में लड़ाई का अभ्यास कर रहे हैं कि हम लोगों को अब शत्रुओं से लड़ना है। तो नए नए जो योद्धावीर वहां कायम किए गए थे, ए बहादुरो, आ बहादुर तैयार हो जाओ, युद्ध छिड़ने वाला है, इसलिए समस्त सेना की परीक्षा लो। ये युद्ध करने के लायक हुए हैं, संकेत समझ रहे या नहीं समझ रहे हैं? जी सरकार, मैं समस्त सेना को तैयार करता हूँ। बहादुरो, हमारे ऊपर दुश्मन ने धावा बोल रखा है, तो हम सब तैयारी करें। इसलिए सबसे पहले लंका राष्ट्र का जो गीत है उसको सभी लोग गाएंगे और उसके बाद सिखाएंगे हम तुम्हें। क्यों नहीं? और डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय नंग धुरंगा प्यारा, विजय नंग धुरंगा प्यारा, इसकी अकड़ न जाने पाए, इसकी अकड़ न जाने पाए, चाहे पुलिस पकड़ ले जाए, चाहे पुलिस पकड़ ले जाए, मार धार का यही सहारा, मार धार का यही सहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सब हथियारों में ये सस्ता, सब हथियारों में ये सच्चता, सर पे मारो बन जाए खस्ता, सब हथियारों में ये सस्ता, सर पे मारो बन जाए खस्ता, अस्पताल पहुंचाने वाला, अस्पताल पहुंचाने वाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, बीच खोपड़ी पे पड़ जाए, बीच खोपड़ी पे पड़ जाए, सर तरबूजा सा फट जाए, सदा रक्त बरसाने की परेड करो। अब परेड कराऊंगा, इनको व्यायाम करवाओ। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, जो हम कहेंगे वैसा ही तुमको कहना है। जवानो लिटियर, महाराज रुक जाओ, ये क्या है लिटियर का मतलब क्या हुआ? लिटियर का मतलब महाराज ये हुआ, हमारी सेना जैसे चली जा रही है, अब नाला पड़ गया, अब जवानों को जाना है, सेना को आगे बढ़ना है, तो इस पर इस नाले से इस पर निकल सकते हैं आसानी से। बड़े हलवाई मुस्कुराए, असी है 21 रुपया। जवानों उठिए, उठाओ लिटियर, उठिए, समझदार है हमारे जवान। जवानों कन्हैयर, कनियर क्या मतलब कनियर? महाराज आप नहीं जानते, लड़ाई जो शुरू हुई यहीं से तो हुई, जो बुआ के नाक कान काटे थे ना, तो उस रामाजल में एक सेना ऐसी है जो नाक और कान ही काटती है। अच्छा, इसलिए सुरक्षित रहो, हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कान बचाओ। कनियर नकियर, कनियर ये नकियर कनियर ही करता रहेगा। यही तो है सरकार, अब हमारे जवान ये समझ लो महाराज कि सभी कुशल हो गए, अब इनको इनके तैयार हो गए कुश्ती लड़ाई के लिए, कुश्ती लड़ाओ, इनको लड़ाई शुरू करो। पूरी पैठ रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई, बेटा खेलत रहा सो हो गई,
लड़न हार अख्यान सठ लड़न ना आवे तो एक बार मोसंग लो तो लड़न सिखाऊं तो बांदी के बच्चे तो यहाँ कहाँ से आ गया है मेरे को बगैर प्रणाम करे हुए और मेरे रास्ते से चला जा रहा है। तू कौन कहाँ का है बानर? तू कौन कहाँ का है बानर? जाता है चाल बढ़ाए हुए रास्ते से मेरे हटा नहीं जाता है बिगर प्रणाम किए मुझे बिगर प्रणाम करके बढ़ाया जा रहा है। सोल मैं जिसका भेजा आया हूँ वो राजाओं का महाराजा है। अरे रास्ते से हटूं और प्रणाम करूं क्या तेरे बाप का कर्जा है? करता है बेहुदा बातें श्री रामचंद्र के काशी से। अरे नादान हृदय को थाम जरा अब पड़ा है पाला अंगद से। तू ही अंगद है। अरे सुन तू जानता नहीं है कि मैं यहाँ का प्रस्त हूँ। मैं बलवान हूँ तुझसे संग्राम में कभी हार नहीं सकता। क्या तू उन्हीं तुन्ही राजकुमारों का है जो बन में दुखियारे फिरते हैं जिनकी सुंदर सी नारी मेरे लंका के बंदी गृह में है? दोनों दूतों का उन्हीं तपस्वियों का दूत बन करके आ रहा है और मुझसे झुक नहीं रहा। बड़ा ले आए पराई नारी को बहरूप बनाकर चोरी से। अरे तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सह चोरी से। अब वक्त हमारा आता है जो तुमको कर दिखलाएंगे लंका में करके कत्लेआम जगदम्बा को ले जाएंगे। फिर भुआ तुम्हारी सूपनखा अरे बड़े सती है लंका में बलिहार गई अति रीझ गई श्री रामचंद्र मुख शोभा में। बोली स्वामी मुझ दासी को ले चलो अवध शादी करके तब लखनलाल ले क्रोधित हो भेजा नकटी पूछी कर। इस बेसभ्यता का मजा मैं तुम्हें अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ तेरी फोटी फोटी नुचवा दूंगा। ये तो अभी पता चल जाएगा। चल सावधान हो जा। सरकार सुनो ये वही बंदर तो नहीं जो लंका जला के चला। नहीं वो नहीं आएगा ये दूसरा भूल के आ गया। अरे हाँ उसके तो पूछ थी ना इसके मुँछे ना पूछे। चल सामने आ। निशाचरी एक पठावा समाचार रावण ही सुनावा। तू कहाँ भाग रहा है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं भाग के जा रहा था। नहीं नहीं मैं तो याद जा रहा था। तुम्हारे महाराज से जाकर के कहो कि रामादल से एक दूत आया है। दूत आया है? हाँ जाओ। जा रहा हूँ। जा भाग रहा हूँ। बहुत खतरनाक वाला है ये तो उससे ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। महाराज सरकार की जय हो। प्रसन्न रहो। क्या संदेश लेके आए? महाराज रामादल से एक दूत आया है एक बड़ा भारी बानर जिसने कई राक्षसों को मार दिया और जो द्वार पर प्रस्त खड़ा था नागा उसको भी समाप्त कर दिया। क्या? हाँ हमारे पुत्र फरिश्त का वध कर दिया उसको भी समाप्त कर दिया। दीवान हुआ तू दीवाना। प्रस्ताव बड़े विचार का है। वह बानर नहीं मां भट्ट है जो कातिल राज कुमार का है। हम करें उचित आदर उसका। हम उसको यहां बुलाने में उस योद्धा को चतुराई से हम अपनी ओर मिला ले। जाओ
कूटनीति प्रयोग करो। जो आज्ञा। कूटनीति से उसको यहाँ लेकर के आओ। चलो महाराज के दरबार में याद किया है, बुलाया है। आओ जय श्री राम। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो, इस बंदर को आसन दिया जाए। कौन पढ़ायो, कहां से आयो, कहा तेरो नाम है? राम पठायो, रामाधल से आयो, दूत अंगद नाम है। कौन के सुत? बाल के सुत। ओ, क्या वही बाली जो पंपापुरी सरदार था? जी हाँ, वही बाली जो सच्चा दिली कम ग्वार था। जिंदा है तो कुछ खैरियत तो उसकी सुना। स्वर्ग में मिल लेना, सीना से सीना मिला। ऐसा कौन है जिसने कत्ल बाली का किया? वही कातिल जिनकी की तुम सूने बंसे चुरा लाए सी। कौन राम, जरा तारीफ तो उसकी सुना। जो वो बहन तुम्हारी सूप नका भेजी नकटी भूसी बना। फल फूल खाने वाली आवारा जात, ये लंकागढ़ है, सोच समझ करके जवाब दिया कर। तू कौन कहा का है बंदर? समझाया समझा नहीं। मैं ये तेरा कलाम, मुझे याद आता नहीं कौन बाली या राम। हाँ शायद याद ना हो, हाँ शायद याद ना हो, उस समय आपको मूर्छा थी। अरे जिस समय बाली की कांख में थे अत्यंत अचेत अवस्था थी, इसलिए बाली को भूल रहे। ये सब घटना है गफलत की, इसका मुझको आश्चर्य नहीं, पर एक बात है हैरत की। भगनी श्री सुपर्णखा को तुम महलों में नित्य देखते हो, इसलिए अचंभा तो ये है श्री राम को कैसे भूलते हो। अब जान गए श्री राम को तुम, या कुछ पिछली कह दूं, ले जाऊं ख्याल जनकपुर को, या कथा स्वयंवर की कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुखदायक है, बानर तो कोई चीज नहीं, सुर नर मुनि जिनके पायक है। अब मुख्य प्रयोजन में तुमको साफ साफ बतलाता हूँ, अंगद बालक है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता। अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता कुल काला? अंगद यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज या गाज नहीं। अरे तपसी का दूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। अफसोस मारा है जिसने तेरा बाल बाप, अफसोस तू उसका दास हुआ। अरे जो मित्र तेरे पिता का है उस पर ना तुझे विश्वास। अंगद तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, देख प्रताप भान मेरा तेरा यश कमल खिला होता। खैर गर तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगत हो जाए। इस बड़े राज का अंगद तू कल से ही सेनापत बन जाए। महाराज मैं ये सेवा करता, मैं ये सेवा करता, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? अरे जो बनू आपका सेनापति, इतनी बल बुद्धि विवेकता कहाँ? हाँ सेनापति की जरूरत है तो रामादल में फाजिल है। अरे दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारिया चुराई जाए यहाँ ऐसे मुकाम पर रहने को। अलबत्ता एक विभीषण
अलबत्ता एक विभीषण जो इस सेवा में आ सकता है, तुम सेनापति की कहते हो वो चला राज भी सकता है, वरना उसका संदेश है ये, लंकापति रावण तेरे लिए सारी लंका में इकलाई वही रह जाएगा दर्पण के लिए। इसलिए त्याग कर भैर भाव उज्जवल अपना दर्पण करिए, श्री रामचंद्र से करिए संधि और सीता उनके अर्पण करिए। यदि तू संधि का प्रस्ताव लेके आया है तो मैं तुझे बता रहा हूं, अच्छा अगर संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे कुछ शर्तों पर। बताइए महाराज। पहले दे भेद विभीषण को शरण मेरे चरणों पर, फिर थोड़े शेष समुद्र का आ सके ना कोई लंका में, उस हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में, उस समय दबा तृण धातों में शरणागत हो मम भालों की, कर जोड़े दोनों राम लखन भिक्षा मांगे ने प्राण। तेरा स्वामी भ्रता लक्ष्मण के सहज दांतों में तिनका दबा करके मेरे सामने हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगे तो मैं संधि कर सकता। महाराज बस यही है या कुछ और भी है? ये सब बातें मामूली हैं, मैं उनसे जाकर कह दूंगा, ये सब शर्तें मामूली हैं, जिन हाथों ने पुल बांधा है वो तोड़ उसे भी डालेंगे, अरे जो भाई आपका भीषण है उसको भी यहाँ बैठा देंगे, हानियां हुई अब तक जितनी उन सबको तो वे भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि उसको कैसे पूरी कर देंगे? कौन सी महाहानि? जब जब महलों में जाओगे, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूप नखा की कटी नाक, किस तरह से जोड़ी जाएगी स्वामी तेरा नाबालिग है और फिर नारी का दुख सहता है, उसके बेहोश में भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, तू और सुग्रीव नदी का पेड़, जिस योद्धा पर था गर्व तुम्हें वह जामवंत भी हुआ थे। नलनील शिल्पी को रे क्या जाना युद्ध में आना वो है, भक्त विभीषण भक्ति निरा क्या जाने खड़क उठाना वो। हाँ है तो एक वही कुछ है, कौन जो आकर लग्गा जला गया, अफसोस तोड़कर तीली को पिंजरे से पक्षी निकल गया, मेरी जरा सी खपलत क्या हो गई कि अपने प्राणों को बचा के भाग गया। क्या कहा फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? अरे वो छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जला दिया महाराज, उसमें तो बल का नाम नहीं, केवल जासूसी करता है। हाँ भाग दौड़ में अब्बल है और खूब रास्ता चलता है, चलते समय सुग्रीव ने उनको चार काम बतलाए थे, आ गए याद मुझे इस समय जो उस पर हुक्म चलाए थे। पहले जाते ही लंका में श्री सीता जी की सुध लेना, दूसरे तोड़कर लंका को सागर के मध्य बहा देना, तीसरे जानकी माता को श्री रामचंद्र के ढिगलाना, चौथे रावण के हाथ बांध तुम साथ साथ लेते आना। असलियत आज मालूम हुई, वह काम ना कुछ कर पाया है इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं और मुंह तक नहीं दिखाया है, इसलिए शर्म से ना जाने। अरे रह गया कौन से स्वस्थल में, जो तुम्हें खटकता है रावण वो है ही नहीं रामादल। अरे पहुंचेगा भी कैसे, तुझको पता नहीं मैं आफत का बरगाना, जिससे दिग्भाल दहल जाते वह मस्त और मत वाला, मेरी दुर्दंडता से बढ़कर कोई मर्दंडता नहीं। तू राजदूत है,
इस कारण दे रहा सभा में डट रही, पर मैंने ये ठान लिया इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू राजसभा से बाहर जाएगा तो मैं तुझको मरवा डालूंगा। महाराज घर दोनों ओर संधि होगी, फिर भी समझा रहा हूं, घर दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बने रहेंगे ठाट बाट, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी जब जीतेगी तो ये पृथ्वी श्रोणित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महा प्रलय होगी, बच्चे बच्चे लावारिस हो और तैराण हो जाएंगी, लाखों बच्चों की महतारी मातम कोहराम मचाएगी। इसलिए निर्णय कर लो रानियों से, हे लंका के नाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ। हे बंडरी के बच्चा, जिसके बल पे तूने मुझको इन कट शब्दों से झंझोरा है, वह तब से उम्र का बालक है, कुछ ज्ञान बुद्ध में थोड़ा। गुड़हीन बाप ने जब जाना जब देश निकाला किया उसे, रोता है नार विरह में वो, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे बिट्टानन विशाल बाहो जो मानव बच्ची कहलाते हैं, अरे ऐसे बच्चों का तो ये एक ग्रास कर जाते हैं। बोलो, और ये 20 रुपए की राशि भैया धर्मपाल जी हैं उनकी तरफ से चलते हुए सुंदर अंगद रावण संवाद पर 20 रुपए की राशि प्रदान की गई है। जय श्री राम। ये मेरे स्वामी की बार बार निंदा कर रहा है, थोड़ा बहुत इसे बल दिखलाना चाहिए, क्योंकि यदि वो बराबरी का है तो उसे जवाब दिया जाए, छोटा है तो उस जगह को छोड़कर चला जाए। मैं इससे कम नहीं हूं, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी की कानों से निंदा सुनता है, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, गौ हत्या का पाप से उसी जगह पर लगता है। इसलिए इसे थोड़ा बहुत बल दिखलाना चाहिए। जय श्री बंदर। पकड़ो पकड़ो इस ढीठ बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की छड़े गर्म करके इसके शरीर को दगवाओ। ए मुखिया बलवान इधर आओ, जामा रामा दल को जाओ, बनरे बालियों को खा जाओ। ओ बेवकूफ ओ दीवाने, ओ बेवकूफ ओ दीवाने, तू किस घमंड में फूला है? दुनिया में नर इस तरह से है जैसे जल बीच बबूला है। अरे तू अपनी सेखी में है कि मैंने दुनिया को जीता है? याद रहे जुल्मी केवल थोड़े दिल जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, दो चार रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है। जाते 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 लंका का राज, अरे विभीषण को देते जाना, कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ साथ लेते जाना। लगता है कि अब मेढकों को भी जुकाम होने लग गया है। अरे इधर देख बंदर, सोने की गणलंक बनी है कोहे दिगंबर डिग डिगैया, कहा करे आल, कहा करे भाल, कहा करे तपसी चलो भैया, एक हसी मोयावत दल सगरो बंदर बेर खबैया, अरे वो राम मोसे कहा लड़े, वो राम लुगाइन को लड़वैया, उसकी बात करता है कौन मार सकता है मुझे कौन। महाराज मैं एक दूत की हैसियत से आया हूं, तुम हमारे स्वामी की निंदा कर रहे हो। आप तो चार वेद छह सात अठारह प्राणों की गाथा हो। दूत का कर्तव्य है कि प्रश्न करे और उसका उत्तर आपको देना, क्यों कि आपके दरबार में आया हूं। तुम बड़े बड़ी बातें कर रहे हो,
बड़ी बड़ी अपनी बातों को मेरे सामने रख रहे हो, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक प्रश्न करता हूं। रे राक्षसा कथियुत कचरा बड़ा क्यों, रे राक्षसा कथियुत कचरा बड़ा क्यों, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, कस्तुम बानर राम राज भवने लेख रेत संभाए, इन प्रश्नों का मुझे उत्तर दो, उसके बाद में फल फूल खाने वाले बानरों का सामना करना। मूर्ख उत्तंडता का परिचय लंका गढ़ में देने का प्रयास कर रहा है और हमसे पूछने का साहस करता है, कौन सा रावण है? जानता नहीं तू कौन से रावण के सामने खड़ा है। ध्यान देकर के सुन, जो तेरे स्वामी ने तुझे लिखा पढ़ा करके यहाँ भेजा है, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। जाने अब मान सुरराज को घसाए दिए, जाने गिरराज को भुजान पे उठाए हुए, जाने ऋषि दंडलीन सूर्यचंद्र कैदकीन, जाने हेमलंक से कुबेर को भगाया है, जाने सिर काट काट शंभु पे चढ़ाए दीन, तान दशरथ तेरे सर्वमुख दिखाए है। लेकिन बंदर तूने जो बात कही ध्यान देकर के सुन ले, आप तो प्रकार से जानता है उस रात को। आप तो अच्छी तरह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, अपने मुख से ही बड़ाई कर रहे हो। किस प्रकार से बड़ाई कर रहे हो? पहली बात तो मेरा उत्तर नहीं मिला, दूसरी बात तुम्हारे मुख से बड़ाई करना उचित नहीं लग रहा है। जैसे कि एक मदारी की तरह आप कार्य करते हो और उसी की तरह बड़ाई कर रहे हो। मदारी तेरा स्वामी है और तेरा स्वामी जब डुडुबी बजाता है तो बंदर उस मदारी की तरह नाचने लगते हैं। अरे धन्य धन्य है आपको जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें ना आती। लाज जो करनी करने वाले हैं वो करते हैं, कहते नहीं। अरे ये मसला आप भी जानते हैं, जो गर्जे हैं बरसे नहीं। महाराज कभी पाताल गए बलि राजा के जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेठा था सब योद्धा बल को, घुड़साला में बांधा था, अच्छी तरह सताया था, आ गई दया बलि राजा को जो जाकर तुम्हें छुड़ाया था। और उस दिन सहस्राबाहु ने सब सार किरकिरी कर दी थी। अरे कुछ याद है सिया स्वयंवर की, जो धनुष ने इज्जत ले ली थी। तुम कहते हो शीश काट शंकर को मैंने चढ़ाए हैं, अरे जादूगर सब शरीर काटे पर योद्धा नहीं कहा है। तुम कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए कि बाली की कांख का कैदी। अंगद, बाली की कांख कोई धर्मशाला नहीं थी जिसमें रावण रहता हो। काक शब्द का अर्थ भी नहीं जानता है, काक शब्द का अर्थ ही स्पष्ट कोर्स में लिखा हुआ, मंदोदरी तारा भगनी के तबर में फंसा हुआ। उस प्रबल प्रेम के निर्वाह हेतु मैं बाली के भवन सुधारा था, ऋषियों मुनियों ने लिखा प्रकोप क्योंकि मैंने उनको मारा था। अच्छा। और तेरे स्वामी जो ख्वाब देख रहा है कि रावण को बांध के ले आना, अरे रावण कोई बकरी का बच्चा नहीं है, चाहे जो आकर के बांध ले। लेकिन सुन, तू अपनी अधिकार रहे, तू अपनी मर्यादा पर रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह जोड़ी कर समझाने का। हम दोनों आप सुलट लेंगे जिनमें धन रही लड़ाई है। अरे तू जा पेड़ा पे उछल कूद, क्यों बक बक यहाँ लगाई? ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या तुझे नया सरसाम हुआ? किसी और वैद्य को ले आऊं जो अब तक नहीं आराम हुआ? लंका प्रच है गूलर का,
ये लंका वृक्ष है गुलर का, फल फूल में निश्चर बसते हैं, अरे फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं, ये तो बानर की आदत है। जिस घर में हरि का नाम ना हो वो घर उजड़ हो फूट पड़े, अरे जो मुख हरि नाम न रखता हो तो रसना मुख पर टूट पड़े। जो कायर और भयातुर है, जो कायर और भयातुर है वो सुले के पापड़ बिलते हैं। अच्छा, सच्चे दिलेर मर्दे मेरा सर देकर सर को फोड़ते हैं, मेरी दुर्दंडता से मरकर कोई मर्दनता नहीं, राज दूत है इसलिए मैं दे रहा दंड नहीं, पर मैंने ये निश्चय किया इन दुर्वचनों का बदला लूंगा, तो राज सभा से बाहर जाएगा तो मैं तुझको मरवा डालूंगा। अनजान अजान सी बात करे, अब तू अजान जैसी बात कर रहा है, अनजान अजान सी बात करे, जान की भाषी दे जान की, कर तू अपनी जान की खैर चाहे, नहीं तो वही जान की तेरी जान की प्यासी, एक अबला को तड़पाएगा तो कभी नहीं कल पाएगा, जुल्मी इन जुल्मों का बदला तू आज नहीं कल पाएगा। ए के बच्चे, अरे जन्नत मिटे कमल मिटे या हुनर मेरा मिटे, जन्नत मिटे कमल मिटे या हुनर मेरा मिटे, रैयत मिटे अजमत मिटे या फिर जेरो सर मिटे, इस लंका का बच्चा बच्चा चाहे बला से मर मिटे, दूगा में सीता को कदाप नहीं चाहे घर का घर मिटे। असल इन निशाचरों के तू गुण बार बार गा रहा है, बार बार अपने योद्धाओं का तू गुणाल बात कर रहा है, इनके बल पर फूल रहा है, तो मैं भी आज इस सभा के मध्य में तुम्हारे दरबार में चुनौती देता हूँ, ये पैर मेरा पृथ्वी से जो, ये पैर मेरा पृथ्वी से जो, तिल मात्र भी कोई टाल गया श्री राम लखन फिर जाएंगे, मैं अपनी जाको हार गया। सभी योद्धाओं को बुलाओ, इस बंदर को एक ही झटके में समुद्र में फेंक दो। इस बंदर को आगे फेंक दो, फेंको, शाबाश, शाबाश। अबे उल्लू के भटभटो, कोई भी बैल नहीं था बारा, तुम भी हटाओ। ये बेरू खड़ेगा। जय श्री राम। ये है पटिया घाम। कोई नहीं उखाड़ पाएगा, केवल मैं ही उखाड़ पाऊंगा, अभी देखो फेंक देता हूँ, चला जाएगा सीधा। शाबाश, उखाड़ के फेंक दे इसे। जहां तुम्हारी इच्छा हो। जय श्री राम। क्यों रे इधर क्या तेरा बाप खड़ा है? इधर खड़ा ही, अभी गया नहीं, तू हटा ही नहीं। महाराज चल कोई बात नहीं, मैं ही हट जाता। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, अगर कोई और योद्धा हो तो उसको भी भुला ले तू, समय अगर तूने खोया तो फिर नहीं हाथ आएगा, ये जमाना मुंह पे थूकेगा फलक आंसू बहाएगा। ए पंडरी के बच्चे, इस संसार में जो भी काम किए हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल से किए, तू खड़ा रहना डटके, मैं आ रहा हूं उठ के, ऐसे लगाऊंगा झटके कि तेरा पैर जाएगा उखटके। इधर आओ, अरे इधर आओ। हाँ क्या, हमारे पास में आओ पहले, तो एक बात है, हम कौन है? सेवक है, दूत है,
गुलाम है, है ना? जो भी मानो। और ये कौन है तुम्हारे? ये, हाँ ये तो मेरे महाराज है। महाराज है? हाँ आप गुलाम है। धीराज है? धीराज है। तुम्हारे सर के ताज? सर के ताज है। तो तुम्हारे महाराज को शर्म नहीं आ रही कि गुलाम के पैर पड़ते हुए? ये बात तो सही है, सही कह रहे हैं महाराज। चल हट, दूध के पैर न पड़। अरे चल हट, दूध के पैर न पड़। क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उनमें क्यों लज्जा खाता है? मेरे चरण पकड़ने से तुझको नरक का घर है। अरे चरण छू श्री राम के तो तेरा बेड़ा पार है। ए पंडरी का बच्चा, क्या गरज पड़ी है सागर को किसी दल से मेल करी? सूरज को इतना वक्त ही कहा दीपक से जाकर खेल करे। वो तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर जान किसी बात है, जान के जान की साथी है। हट भाग यहां से जा बंदर, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चला दूंगा, गर छुबा देख चलाएगा। कह देना तपसी लड़कों से, क्यों आते हैं मरने के लिए? उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आते हैं मरने के लिए? महाराज आप नाराज ना हो, हमारी तरफ से लड़ाई का ऐलान है। हम जा रहे हैं, लेकिन आप नाराज ना हो। महाराज आप नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अरे जाते जाते केवल मैं आपको यही बात समझाता हूँ, श्री रामचंद्र से मेल रहा तो जीते जी तरोगे तुम। अन्यथा इस लंका नगरी में कुत्ते की मौत बनरी के बच्चे। हमारी ओर से लड़ाई का ऐलान है। जा, हमारी ओर से भी लड़ाई का ऐलान है। जय श्री राम। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। महाराम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज श्री रावा। आए चरण पंकज श्री रावा। तास मुकुट तुम चार चलाए, कहो तात कबनी विधि पाए। युवराज अंगद भगवान, सर्वप्रथम में हम जानना चाहेंगे रावण जात उधान कुल टीका, भुजबल अतुल जात सुजगली का, फिर तास मुकुट तुम चार चलाए। ऐसे महाबली के चार मुकुट तुमने यहाँ जो भेजे हैं, कहो तात कौनो विधि पाए, उन्हें किस प्रकार से तुमने प्राप्त? सुन सर्वज्ञ चराचर स्वामी, गुण नहीं रूप गुण चार। हे प्रभु, जो चार मुकुट आपके पास आए वो राजा की चार राजनीति हुआ करती, साम दाम दंड भेद। राजा जब तक नीति पर चलता है तो वह चारों राजनीति उनके पास में रहती है, और जब राजा नीति को छोड़कर अनीति का रास्ता अपना लेता है तो वह राजनीति उसके पास नहीं रहती है। इसलिए वो मुकुट के रूप में चारों राजनीति आपकी शरण में आई है, उन्हें आप अपनी शरण दीजिए। युवराज लंका बाकी चार द्वारा विधि लागिए करिए विचार। युवराज भगवान, चलते चलते एक कार्य और हमने सौंपा था कि जिस समय वापस आना तो लंका का निरीक्षण भी करते आना। कहो निरीक्षण किया प्रभु? कहो लंका के चार द्वारे हैं। अब चार द्वारों को किस प्रकार से घेरा जाए, क्योंकि चारों द्वारों पर वीर भट्ट महाभट्ट सुभट्ट इत्यादि भी रहते हैं। लेकिन चारों द्वारों को किस प्रकार से घेरा जाए और उन पर चढ़ाई की जाए, ये आपके ऊपर। जैसा कि युवराज अंगद के द्वारा बताया गया चार विकराल फाटक हैं, तो हम चाहते हैं
अपने कटक के पांच भाग बनाए जाएं, चार भाग चारों फाटकों पर आक्रमण के लिए, एक भाग अपने पास ऐसा रखा जाए जो आपातकालीन स्थिति में जिस फाटक पर सैन्य बल कमजोर हो वहां सैनिक भेजे जा सके। इस प्रकार से अपने सैन्य दल के भाग बनाकर एक साथ चारों फाटकों पर आक्रमण कर दिया जाए। जो आज्ञा प्रभु।